कार्यवाही। यूं तो आज महंगाई को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल के एक सवाल का जवाब देते हुए वाणिज्यिक उद्योग मंत्री ने उन्हें मेरी बहन कहकर संबोधित किया और उन्हें मंत्रिमंडल में साथ होने की याद दिलाई। हरसिमरत कौर बादल ने FCI की नई अधिसूचना को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। उन्होंने सदन में कहा कि FCI के नए नियमों के हिसाब से जो कानून अपने भू अभिलेखों को अपलोड करेंगे उनसे ही सरकार खरीद की जाएगी। उन्होंने सदन में कहा कि FCI के नए नियमों के हिसाब से जो कानून अपने भू अभिलेखों को अपलोड करेंगे उनसे ही सरकारी खरीद की जाएगी। ये उनके राज्य के 40% किसानों के साथ नाइंसाफी है। हरसिमरत कौर बादल ने वहां पंजाब राज्य से आती हैं, जहां 40% किसान या तो किसी से जमीन बटाई या किराए पर लेकर खेती करते हैं। अब ऐसे में वो लैंड रिकॉर्ड कहां से लाएंगे? अगर FCI उनसे सरकारी खरीद नहीं करेगी तो ये 40% किसान कहां जाएंगे? हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि नए कृषि कानूनों के बारे में सरकार कहती है कि उसने किसानों को एक और विकल्प दिया है, जबकि इन्हीं कानूनों के विरोध में किसान 4 महीने से दिल्ली के सरहद पर बैठे हैं। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि वो राज्य के कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, जबकि पंजाब का कानून 2013 से किसानों को मंडी या सीधे बेचने का अधिकार देता है। ऐसे में ये सरकार संघीय ढांचे के हर विषय पर हस्तक्षेप कर रही है, जो बनी हुई व्यवस्थाएं उन्हें तोड़ रही हैं। इस सवाल को पूछते वक्त हरसिमरत कौर के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा गया। इसके जवाब में पीयूष गोयल बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने बोला कि मेरी बहन, अभी तक तो मंत्रिमंडल में ही इन सब विषयों को स्वीकार करके देश में पारदर्शी तरीके से काम हो, देश में फसल खरीद हो, उसके लिए उत्तेजना के साथ काम करा करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आज कैसे भूल गईं कि इस देश की संकल्पना है कि देश में पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, इस देश में गलत कामों को रोका जाए और इसी के तहत पूरे देश में FCI की खरीद बहुत अच्छे और पारदर्शी तरीके से होती रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।